पढ़ लिख कर बनी थी वो डॉक्टर, आंखों में थे उसके कई अरमान। उड़ने ही वाली थी वो एक नई उड़ान, पर इंसान रूपी भेड़िए ले आए उसके जीवन में एक नया तूफान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कोलकाता रेप मर्डर केस को अब तक 30 से ज़्यादा दिन का समय हो गया है और पीड़िता को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ऐसे में कोलकाता रेप मर्डर केस की आग की लपटों में अब सीएम ममता बनर्जी भी सुलगती नजर आ रही हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले पर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बैठक को लेकर टकराव बढ़ गया है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि सरकार उनसे बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि ममता बनर्जी ने हमें भरोसा दिलाया था कि वो मीटिंग का रिकॉर्डेड वीडियो और डिटेल की साइन हुई कॉपी हमसे शेयर करेंगी, इसके चलते हम लाइव टेलीकास्ट के बिना बैठक करने को मान गए, लेकिन फिर भी उन्होंने मीटिंग नहीं की। सीएम आवास के बाहर ममता ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से अपील की कि वे बैठक में शामिल हों और उनका अपमान करना बंद करें। ऐसे में अब सीएम ममता बनर्जी सवालों के घेरे में हैं और अब देखना होगा कि ममता बनर्जी की सरकार इन सवालों से कैसे निपटती है। क्या आप जानते हैं कि जब सीएम ममता बनर्जी प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मिलने पहुंची तो किन मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों में टकराव हुआ? आइए बताते हैं कि आखिर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांगे क्या हैं और क्या इस पर सरकार रुख अपनाए हुए है। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर चल रहा प्रदर्शन अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर्स 36 दिन से हड़ताल पर हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर ममता सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मामले में दखल देने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को दिए पत्र में लिखा कि आपका दखल हमें चारों ओर घिरे अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। बता दें कि ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से मुलाकात की पहल कर चुकी हैं, लेकिन प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर अब तक उनके तीनों प्रस्तावों को खारिज कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे की माने तो जूनियर डॉक्टर्स के आंदोलन के कारण अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। ऐसे में डॉक्टरों की अस्पताल वापसी बेहद जरूरी हो गई है। दरअसल 9 अगस्त की रात हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप कर मर्डर की घटना के बाद से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। शुरुआत में इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस ने की थी, लेकिन 4 दिन बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारी की है। शुरू से ही कोलकाता पुलिस पर सबूतों को नष्ट करने और मामले की लीपापोती के आरोप लगते रहे हैं। पीड़िता के माता पिता ने भी कोलकाता पुलिस पर यह आरोप लगाया था, हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों में से एक डॉक्टर का कहना है कि जब तक हमारी 5 बातें नहीं मानी जाएंगी, यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रेप कोई अलग घटना नहीं है, ये किसी की सोची समझी साजिश है जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं। हम लोग, आप सिर्फ हम लोगों को मिनट्स दे दीजिएगा, हम लोग बात करने के लिए रेडी हैं। लेकिन ये सब बोल के हम लोग जब फोन, मतलब फोन और अपने घड़ी ये सब जब वहां पे रख रहे थे और सिक्योरिटी चेकअप का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे थे, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, वो लोग बोले कि वो लोग बात आज के लिए और नहीं करना चाहते। तो हम लोग बड़े हताश हुए, बड़े सरप्राइज हुए कि अचानक से क्या हो गया। 3 घंटा का बात वो लोग कर रहे थे, हम लोग भी तो 35 दिन से वेट ही कर रहे हैं बात करने के लिए, तो बात नहीं कर पाए हम लोग काफी हताश थे। लेकिन हम लोग ये भी जानते थे कि हम लोगों का जब तक 5-point डिमांड कंप्लीट नहीं होता है, हम लोगों का आंदोलन चलेगा। इसी बात से हम लोग जब निकले, फिर हम लोगों को पता चला कि हम लोग आंदोलन जो कर रहे थे वो एकदम सही रास्ते पे ही जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि पहले दिन से हम लोग जो बोल रहे थे कि अभया का जो रेप है वो कोई अलग घटना नहीं है, कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, इसमें बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और उसी को मान्यता देके सीबीआई ने जो स्टेप लिया कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ वो पाए हैं कि वो टाला थाना का ओसी और संदीप घोष, इन दोनों को उन्होंने अरेस्ट किया है। टाला थाना के ओसी को लेके हम लोगों ने पहले दिन से आवाज उठाया था कि अभया के जो मम्मी पापा थे उन्होंने भी यही बात किया था कि वो एकदम ही अनएथिकल काम किए थे, वो पैसा देने का कोशिश किए थे, एंड everything about that man is suspicious. So हम लोग जो बोल रहे थे वो हम लोग ठीक बोल रहे थे, ये हम लोगों को पता चला आज। और हम लोग अभी वापस आए हैं,
अभी यहाँ पे जश्न का माहौल है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन जश्न के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग का 5 पॉइंट डिमांड अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और हम लोगों को जब तक 5 पॉइंट डिमांड हम लोगों का नहीं मिलेगा, हम लोगों का जो आंदोलन चल रहा है वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर सरकार से अपनी प्रमुख 5 मांगों को मनवाने के लिए अड़े हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की 5 प्रमुख मांगे हैं, रेप मर्डर के साथ साथ सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले सभी लोगों की गिरफ्तारी हो। उनकी दूसरी मांग है कि मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। डॉक्टरों की तीसरी मांग है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर तत्काल इस्तीफा दें। उनकी चौथी मांग है कि अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। डॉक्टरों की अंतिम मांग है कि पश्चिम बंगाल के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में से थ्रेट कल्चर को खत्म किया जाए। बहरहाल ममता सरकार प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मीटिंग के लिए तैयार है, पर सभी प्रदर्शनकारी डॉक्टर चाहते हैं कि मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट हो। इस पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि चर्चा की बातें रिकॉर्ड की जाएंगी, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकती क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अभी तक सही इलाज ना मिलने के कारण कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच फंसा ये पेच मरीजों के लिए आफत बना हुआ है। इसको जल्द ही सुलझाना ममता सरकार के लिए बेहद जरूरी हो गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।